इंडियन आइडल 13 के मंच पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ऋषि की कहानी सुनकर रोते हुए विदिप्ता की मां ने क्यों रखा ऋषि के हाथ में विदिप्ता का हाथ, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी तमाशा पर। वेल, आपको बता दें कि हाल ही में ऋषि सिंह ने अपनी कहानी का एक ऐसा राज बताया है जिसको सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया है। इस टैलेंटेड लड़के को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि इनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा एक बड़ा राज भी हो सकता है। अब आपको बता दें, यहाँ पर दरअसल विदिप्ता की माँ ने उन्हें ऋषि से दूर रहने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि ऋषि से तुम्हें दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारे परिवार में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। तुम यहाँ मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए आई हो, इस रियलिटी शो में भाग लेने के लिए आई हो, लेकिन तुम्हें अगर इस तरीके की हरकतें करनी हैं तो तुम्हें इस शो को छोड़कर वापस अपने घर चलना होगा। आपको बता दें कि विदिप्ता कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मानने भी लगी थी, लेकिन जब ऋषि सिंह ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ज़िंदगी का ये बड़ा सच बताया, उसके बाद में विदिप्ता की माँ अपने आप को नहीं रोक पाई और उन्हें यकीन हुआ इस बात पर कि विदिप्ता और ऋषि एक अच्छे दोस्त हैं। विदिप्ता इसीलिए ऋषि का इतना साथ दे रही हैं, इसीलिए वह उनको इतना संभाल रही हैं। इसलिए विदिप्ता की माँ ने रख दिया ऋषि के हाथ में विदिप्ता का हाथ। वेल, ये सब जानने के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या विदिप्ता की माँ का ये रिएक्ट करना आप लोगों को कैसा लगा? राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल टीवी तमाशा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक पहुंचते रहें ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।